असल क्रिकेट लवर्स एंड व्यूअर्स वेलकम टू फ्रंट फुट विद यासर हमीद पी एस एल का फाइनल अपने अख्ताम पजीर हुआ और बड़ा शानदार फाइनल और एक नया चैम्पियन हमारे सामने आया इस पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े रहें कीप वॉचिंग फ्रंट फुट विद यासर हमीद वेलकम बैक जी पी एस एल का फाइनल कल हुआ और ज़बरदस्त मैं कहता हूँ कि ग्रेट इनिंग्स बाय शोब मकसूद वंस अगेन शोएब मकसूद ने चार सौ बनाए इस पी में और बेस्ट बैट्समैन बने प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट कल 65 फाइव रन की इनिंग्स खेली पाँच पचास किए इन्होंने और मैन ऑफ द मैच भी हुए तो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ मेरे ख़्याल से शोएब मकसूद के लिए आ, वन ऑफ़ द बेस्ट टूर्नामेंट उसे कह सकते हैं कम बैक भी हुआ पाकिस्तान टीम में एवरीथिंग इज़ गोइंग हिज वे और रिजवान ने भी पाँच सौ रन किए और आ, ब, ब, दो सौ छः रन का जो है हदफ दिया था पिशावर जलमी को जिसके ताकुब में वही जो हम कह रहे थे जजई का बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि बन गया था पिशावर जलमी के लिए उसी की वजह से सारी टीम इतना परफॉर्म कर रही थी कि यार इनको टारगेट इतना अच्छा तगड़ा देना क्योंकि इनके पास जजही भी है लेकिन कल जजई ने अपना जो खाता खोला वो पाँचवें ओवर में खोला जाके तो पूरा पावर प्ले जो था कामरान अकमल ने इकतीस छत्तीस रन किए पावर प्ले में और uh, उनके पावर प्ले में uh, फिर एक छक्का मार के जजई जो है आउट हो गए बट uh, जो uh, टारगेट का ताकुब है उसमें वही जो एक uh, हमारे ऐसे प्लेयर जो कि हमेशा से डिपेंडेबल और हमेशा से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान के सबक कप्तान भी रह गए रहे, रहे हैं शुएब मलिक जब तक क्रीज़ पर मौजूद थे तो मुझे uh, तब तक लग रहा था कि पिशावर जलमी इस मैच को जीत सकता है लेकिन शुेब मलिक की एक बहुत इम्पॉटेंट विकेट जब हासिल की सुेल तनवीर ने सहेल तनवीर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस तेईस रन दिए थे उन्होंने तीन ओवर्स में पहले और अपने आखिरी ओवर में आके उन्होंने शुएब मलिक जैसे की प्लेयर की विकेट को हासिल किया और फिर रथर फोर्ड आए उन्होंने भी छक्के मारना शुरू किए लेकिन उस वक्त तक इमरान तायर ने पूरा गेम जो है वो चेंज कर लिया एक ही ओवर में उन्होंने तीन खिलाड़ियों को आउट किया और ज़बरदस्त बॉलिंग की और इस तरह मुल्तान सुल्तान पहली दफ़ा हिस्ट्री में पीएसएल की हिस्ट्री में चैंपियन बने और वेल डिज़र्विंग चैंपियन मैं समझता हूँ कि वेरी वेल डिज़र्व रिचली डिज़र्व कर रहे थे जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की जिस तरह उन्होंने मोमेंटम बनाया अपना टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने जिस तरह कप्तानी की रिजवान ने मैं मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कप्तानी की और लेट फ्रॉम द फ्रंट और जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को यूज़ करता है जिस तरह परफॉर्मेंस लेता है शेद शाहनवाज धानी की मिसाल आपके सामने है बीस विकेट्स लेके टॉप बॉलर बने वो इस पी में और आ, एक फ़ाइंड है इस पी की जो फाइंड है हम कह सकते हैं शाहनवाज धानी है आ, बॉलिंग में जिन्होंने एक एक नया हमें एक स्टार इस बॉर्न जिसे कहते हैं ना जो उनका एटीट्यूड है बहुत ज़बरदस्त बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है उनमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स किसी भी टीम में हो तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम को मैनेजमेंट को अजहर महमूद मुश्ताक बाई भाई और उनके अलावा एंडी फ्ल, आ, 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 फ्लावर जो हैं उनके जो हेड कोच है उनको बहुत बहुत मुबारक हो उन्होंने टूर्नामेंट जीता और बड़ी स्ट्रेटजी ब्रेक के बाद जो मुल्तान सुल्तान आई तो बिल्कुल डिफरेंट टीम लग रही थी नो डाउट पिशावर जलमी वाज अ बिग थ्रेट फॉर देम क्योंकि जिस तरह जजई ने इनिंग्स खेली थी तो उनको एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल गया था शुरू में uh, कि जजई हमारे पास है तो हम कोई भी टारगेट चेज कर सकते हैं बट इज़ ए ह्यूमन उनका फेलियर भी जो है वो ड्यू होता है तो तीन चार इनिंग उन्होंने कंसिस्टेंटली खेली और फिर आ, फाइनल में जो है रन नहीं कर सके और आ, पिशावर जलमी ये मैच हार गया चौथा फाइनल खेला पिशा जलमी ने जिसमें से तीन हारे और एक में चैम्पियन बने तो मुल्तान सुल्तान को वंस अगेन वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन उनके प्लेयर्स बड़े अच्छे प्लेयर्स आ, उन्होंने परफॉर्म किया रेले रोज़ों का नाम लेना चाहिए यहाँ पे उन्होंने क्लास की इनिंग खेली कल बहुत ज़बरदस्त उन्होंने 20 बॉलों में 50 किया तो मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड uh, तो नहीं है लेकिन वन ऑफ़ द बेस्ट आप कह सकते हैं कि इनिंग्स थी तो बहुत मज़ा आया पी में uh, हम जुड़े रहे हमने बात की डिफरेंट uh, मैचेस पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस पे uh, मेरा जो अपना uh, अपने व्यूज़ थे मैंने आप लोगों को दिए आई होप आप लोगों ने इसमें कुछ ज़रूर uh, इसमें आपको पसंद आए होंगे और uh, सब्सक्रिप्शन करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी आगे पाकिस्तान का टूर आ रहा है इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वहाँ पे वहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी आ, हमारे फास्ट बॉलर के लिए तो अच्छी हैं लेकिन बैट्समैन को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा बट लेट्स सी कि हाउ आवर प्लेयर्स आवर बैट्समैन दे डील विद द सिचुएशन डील विद द प्रेशर डील विद कंडीशंस तो आ, आगे भी बड़ी मज़ेदार क्रिकेट आ रही है अपना बहुत ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में हैं और प्लीज़ अगर वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी वाली जो वो है ना निशान उसको भी आ, हाथ लगा दें तो अपना बहुत ख्याल रखें इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी अल्लाह हाफिज़